चोरी के शक में लड़के को जलाया, जिंदा लड़के को लगा दी आग, पेट्रोल डालकर लगाई आग, मामले से परिवार में मचा कोहराम। लखनऊ में सिर्फ एक शक ने एक लड़के की जान की आफत कर दी। वो बेचारा अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहा है और उसका परिवार रो रो कर डॉक्टर से उसे बचाने की गुहार लगा रहा है। उसके मालिक को सिर्फ शक हुआ, जो इतने दिनों से उसकी दुकान पर काम कर रहा है वो चोरी कर सकता है, लिहाजा उसे सोते हुए उठाया, पीटा और फिर आग के हवाले कर दिया। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। ये मामला लखनऊ के कैंट इलाके से आया है, जहां बिरयानी की दुकान चलाने वाले बादशाह खान ने अपने कर्मचारी को पहले तो खूब पीटा और फिर उसे जिंदा आग लगा दी। दुकानदार का नाम बादशाह है, लेकिन उसने जो हरकत की उस पर जो आरोप लगे वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। दरअसल बादशाह की दुकान पर काम करने वाले सुनील की मां ने शिकायत करते हुए बताया कि दुकानदार बादशाह खान गुरुवार उनके घर के बाहर सो रहे बेटे के पास आया, अचानक सुनील को उठाया और उसके उठकर बैठते ही चोरी का आरोप लगाने लगा। पीड़ित की मां सावित्री का कहना है कि दुकानदार ने पहले तो उनके बेटे सुनील को बुरी तरह पीटा, फिर अपनी दुकान पर ले गया और इसके बाद चोरी कबूल करने का दबाव बनाने लगा। सुनील ने चोरी नहीं की थी, इस पर सुनील ने चोरी की बात कबूल नहीं की। आरोपी बादशाह ने इसी बात से गुस्सा होकर पेट्रोल डालकर सुनील के कपड़ों में आग लगा दी। सावित्री ने बताया कि आरोपी ने सुनील के लोअर में आग लगाई थी, लिहाजा सुनील ने जल्दी जल्दी लोअर उतार कर अपनी जान बचा ली, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह से झुलस गया। हालांकि उसकी चीख पुकार सुनकर लोगों ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि पीड़ित की हालत खराब हुई तो उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और फिलहाल उसकी जान खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी उसका शरीर बुरी तरह झुलसा हुआ है, वो दर्द से तड़प रहा है। सुनील की बहन का कहना है कि बादशाह खान उनके भाई को पीटते हुए लगातार चोरी का आरोप लगा रहा था और ये भी कह रहा था कि बुधवार को उसने सुनील को चोरी करते भी देखा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस मामले पर ACP कैंट अनूप कुमार ने बताया कि बादशाह खान पुलिस की हिरासत में है, हर एंगल में इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा कि आखिर बादशाह ने इतनी दर्दनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया। ये खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू के साथ मोहम्मद आसिफ दुलार ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।